फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो स्विच बोर्ड है। काफी दोस्तों का हमारे पास कमेंट आया है कि सर हमारे पास एक स्विच बोर्ड है और हमें एक स्विच बोर्ड और लगाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्विच बोर्ड से कौन से पॉइंट से फेज और न्यूट्रल उठा के हमें दूसरे स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो स्विच बोर्ड। ये वाला स्विच बोर्ड है, ये मेन स्विच बोर्ड है, क्योंकि इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक फ्यूज लगा हुआ है, एक ये बल्ब के लिए स्विच लगा हुआ है, एक सॉकेट है और एक इसका ये स्विच है। और जो दूसरा स्विच बोर्ड है फ्रेंड्स, उसमें हमने एक सॉकेट, एक दो ये स्विच लगाए हैं। आप यहाँ पे कुछ भी अलग एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना छोटा वाला स्विच बोर्ड लिया है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसकी और इसकी इंटरनली वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला फ्यूज है और ये इंडिकेटर है, ये लैंप के लिए, बल्ब के लिए स्विच है, और ये सॉकेट के लिए, और ये सॉकेट है। सॉकेट के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। ये फेज वाला टर्मिनल होता है फ्रेंड्स, जहां पे एल लिखा होता है और जहां पे एन है वो न्यूट्रल का है, और ये ऊपर वाला पॉइंट है वो अर्थिंग का है। फ्रेंड्स इसमें अभी जैसे कि मान लेते हैं जो फेज वायर आएगा वो फ्यूज के अंदर आएगा, फ्यूज से दूसरे पॉइंट से फेज वायर निकल जाएगा। तो इसको, इसको और इसको, दो स्विच, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट को हम कॉमन बना लेंगे वायर की सहायता से। तो फ्रेंड्स कॉमन बनाने के लिए हम कुछ इस तरह की वायर लेंगे। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी वायर है, इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फ्यूज है फ्यूज वाले नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। और इस वायर का जो दूसरा एंड है फ्रेंड्स, इसको हम आगे वाले जो इंडिकेटर है इंडिकेटर के इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। और यहीं से हम आगे कॉमन बनाने के लिए दूसरी वायर इसके अंदर ही, इसके साथ ही टाइट कर लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स इस वायर का जो दूसरा एंड है उसको हम आगे वाले स्विच के पास ले चलेंगे और इसके साथ आगे ले जाने के लिए एक वायर और जोड़ देंगे। और जो ये लास्ट पॉइंट बच गया, इसको हम लास्ट वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरह से कॉमन बन जाएगा फ्रेंड्स, ये यानी कि एक जगह सप्लाई आएगी तो चारों के अंदर सप्लाई चली जाएगी। अभी बारी आती है फ्रेंड्स इसके अंदर न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, इसके अंदर एक तो सॉकेट के अंदर आएगा और एक इंडिकेटर के अंदर आएगा, और जो हमारा लैंप लगता है उसको उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अभी स्विच बोर्ड के अंदर एक इंडिकेटर के अंदर न्यूट्रल आएगा और एक हमारा सॉकेट के अंदर, जो सॉकेट का एन वाला पॉइंट है और इंडिकेटर का वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम कॉमन बना लेंगे जैसे हमने ये वाला बनाए हैं। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने ये वाली वायर यहां से जोड़ के इंडिकेटर के अंदर एक जोड़ दी है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की वायर है फ्रेंड्स, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये न्यूट्रल है, और ये रेड कलर का है वो फेज वायर है। अभी फ्रेंड्स जो स्विचेस है हमारे, स्विच के टर्मिनल को कनेक्शन करते हैं हम। जो स्विच है फ्रेंड्स जो सॉकेट के पास है वो सॉकेट का है, और ये वाला है वो बल्ब का है। तो अभी हम सॉकेट वाला को कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो सॉकेट का ऊपर वाला पॉइंट है, यहां से वायर जोड़ के हम इस वाले पॉइंट पे वायर जोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने ये स्विच और ये सॉकेट का ये वाला पॉइंट को हमने कनेक्शन कर लिया है। और फ्रेंड्स अभी हम इसी तरह से जो दूसरा हमारा स्विच बोर्ड है उसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके अंदर दो स्विच दिए गए हैं, दोनों को कॉमन बना लेंगे और इस वाले स्विच से इस वाले पॉइंट पे इसको जोड़ लेंगे। तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट को कॉमन बना लिया है, और सॉकेट वाले स्विच से हमने एक ये सॉकेट वाले पॉइंट पे फेज वायर को कनेक्ट कर दिया है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स जो हमारा ये वाला जो स्विच है, इस स्विच के साथ हमने एक होल्डर कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक होल्डर लेंगे, ये होल्डर के अंदर दो कनेक्शन मतलब दो वायर जोड़ रखी है हमने, एक फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। जो न्यूट्रल है वो व्हाइट कलर की वायर है फ्रेंड्स, और जो फेज है वो रेड कलर की वायर है। तो हम क्या करेंगे, जो रेड कलर की वायर है फ्रेंड्स, ये रेड कलर की वायर है, इस वायर को इस वाले स्विच के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि जब हम स्विच दबाएंगे तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। और जो न्यूट्रल है फ्रेंड्स, न्यूट्रल हमारा आपको पता ही है सॉकेट के एन वाले पॉइंट पे आता है, तो ये सॉकेट का एन वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके साथ ही इसको जोड़ देंगे हम, न्यूट्रल हमारा यहां पे आएगा,
ठीक है, ये हो गया है। अभी हम लेके पहले करते हैं इस वाले स्विच बोर्ड के अंदर फेज और न्यूट्रल वायरिंग करते हैं, उसके बाद हम इस स्विच बोर्ड से वायर उठा के इस वाले स्विच बोर्ड के अंदर लेके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं ये एक टू कोर की केबल है जिसके अंदर ब्लैक और रेड कलर की वायर है। यहाँ पे हमने रेड कलर को फेज मानना है और ब्लैक कलर को न्यूट्रल वायर मानना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा ये स्विच बोर्ड का ये नीचे का कवर है इसके अंदर से हमने वायर निकाल लेंगे। वायर निकाल के और जो इसके अंदर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्यूज है फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पे फेज वायर जोड़ देंगे हम, फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पे फेज वायर। फ्यूज हमेशा सेफ्टी के लिए लगाया जाता है फ्रेंड्स। आजकल तो एमसीबी आ गई है लेकिन मैं आपको यहां पे फ्यूज लगा के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये यहां पे कनेक्ट हो गया फेज वायर। अभी बारी आती है फ्रेंड्स न्यूट्रल की। न्यूट्रल को हम यहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों में जो नजदीक पड़ता है उसके पास हम कर देते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंडिकेटर वाला पॉइंट है, इस इंडिकेटर वाले पॉइंट से हम इसको कट लगा के और इसके पास में हम इसके साथ में न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं आप इस स्विच बोर्ड के अंदर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। यहां पे हमारा इनकमिंग फेज आ गया है और यहां पे न्यूट्रल आ गया है। यहां से फेज आएगा तो इस फ्यूज के थ्रू नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएगा, नीचे वाले पॉइंट से सारे के सारे स्विच और इंडिकेटर के अंदर चला जाएगा और आगे जो काम करना है वो करना स्टार्ट कर देगा। और न्यूट्रल हमारा यहां पे इंडिकेटर के अंदर आ गया, इंडिकेटर से हमारा सॉकेट के अंदर आ गया है। तो इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरे वाला स्विच बोर्ड है इसके अंदर फेज और न्यूट्रल लेके जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्विच बोर्ड है इसके अंदर हम वायर जोड़ेंगे रेड कलर की और ब्लैक कलर की। तो ये वायर हम कहां पे जोड़ने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपने देखा जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हम फेज वायर लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट पे हम रेड कलर की वायर जोड़ देंगे जहां पे फेज आएगा। कोई भी एक पॉइंट पे आप जोड़ सकते हैं इसको, इस वाले पे या इस वाले पे, दोनों में से। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कनेक्शन आपको अच्छे से टाइट करने हैं, कोई लूज कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये फेज हो गया और इसी के साथ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल वायर के लिए मैंने आपको बताया कि ब्लैक कलर की वायर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एक ब्लैक कलर की वायर लेनी है और उसको जहां पे न्यूट्रल का पॉइंट है उस वाले पॉइंट पे इसको जोड़ देना है। तो ये सॉकेट का ये वाला पॉइंट है, यहां पे न्यूट्रल आएगा तो इस वाले पॉइंट पे हम न्यूट्रल वायर जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने यहां पे एक न्यूट्रल जोड़ दिया और एक ये फेज वायर जोड़ दिया। अभी जो हमारा स्विच बोर्ड है फ्रेंड्स, स्विच बोर्ड के अंदर से जो स्विच बोर्ड का नीचे का कवर है उसके नीचे से यहां से एक वायर को इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो बल्ब और होल्डर के जो होल्डर वाला है इस वायर को भी हम दोबारा से खोल के यहां से निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वायर है ब्लैक और रेड कलर की निकल गई है, इस वायर को हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाला स्विच बोर्ड है इसके अंदर एंट्री करवा देंगे। ये थोड़ी वायर ज्यादा लंबी है तो इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। आपको स्विच बोर्ड देख लेना है कि कितनी दूरी पे है, उतनी ही आपको ये वायर रखनी है। तो अभी हमें ज्यादा लंबी नहीं रखते हुए इसको थोड़ा ही रखेंगे, तो यहां पे इसको कट लगा देंगे। ठीक है, ये आपको मैंने सिखाने के लिए किया है फ्रेंड्स। तो यहां पे हम इस वायर को इस तरह से इसके अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देता हूं कि कहां से हमने ये फेज और न्यूट्रल उठाना है। फेज फ्रेंड्स यहां पे इनकमिंग आया हुआ है फ्यूज के ऊपर और फ्यूज से नीचे से यहां पे निकला हुआ है। ठीक है, तो हम जो दोनों स्विच के अंदर प्रोटेक्शन रखेंगे तो क्या करेंगे, हम फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट पे फेज वायर जोड़ देंगे। तो यहां से फेज वायर मिल जाएगा इसको और इसकी भी सेफ्टी हो जाएगी फ्यूज के थ्रू। ठीक है, और जो ब्लैक कलर का वायर है हमारा न्यूट्रल के लिए, उस न्यूट्रल वायर को हम जहां पे न्यूट्रल आया हुआ है वहां पे जोड़ देंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं सॉकेट के अंदर न्यूट्रल है हमारा, तो इस सॉकेट के साथ इसको न्यूट्रल को जोड़ देंगे। तो
ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा फेज वायर यहां से उठ गया और न्यूट्रल यहां से उठ गया, ये दोनों वायर उठ के इस वाले स्विच बोर्ड के अंदर चली गई है। अभी इन दोनों बोर्ड को हम अच्छे से पेच की सहायता से टाइट कर देते हैं और इस वाली वायर को यहां से निकाल के आपको ट्रायल करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सेट कर लिया इनको भी, दोनों को बोर्ड के अंदर सेट कर लिया और यहां पे होल्डर लगा दिया है। जो हमारी ये इनपुट सप्लाई है फ्रेंड्स, इसके अंदर फेज और न्यूट्रल आएगा, इसको हमने पीछे सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा ये फ्यूज है फ्रेंड्स, फ्यूज के अंदर हमने एक वायर डाल लिया है जो कि हमारी जो सेफ्टी है, जो करंट रेटिंग है, जिसके ऊपर जितना लोड चलेगा उस हिसाब से यहाँ पे एक वायर डाल लिया है। उस वायर डालने के बाद फ्रेंड्स, इस फ्यूज को हम फ्यूज वाले इसके अंदर लगा देते हैं। लगाने के बाद फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर ऑन हो गया है, इससे हमें पता लग गया कि हमारे स्विच बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई है। ठीक है, और अभी हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करने के लिए फ्रेंड्स, हम ले रहे हैं एक बल्ब और एक होल्डर और इसको हम लगाते हैं इस वाले सॉकेट के अंदर और इसको ऑन करते हुए देखते हैं। तो ये सॉकेट आप देख सकते हैं अच्छे से काम कर रही है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स हमारे जो दूसरा स्विच बोर्ड है उसकी, कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे होल्डर के अंदर एक बल्ब लगा देते हैं। अभी देखते हैं ये जो स्विच है ये इस बल्ब का है, इस होल्डर का है, तो हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ऑन हो गया है और अभी ये ऑफ हो गया है। इसी तरह से हम सॉकेट को भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपने देख लिया कि स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं, एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।